अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजर रही है जिंदगी। फतेह नस का आगाज हम कर चुके हैं, हमारे मुफरादात कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम बढ़ने लगे हैं मुरक्काबाद की जाने। मुरक्काबाद में जो सबसे पहले तख्ती है वो बा की तख्ती है। बा की तख्ती का मतलब है वो बा की तख्ती है, ता की तख्ती है, सा की तख्ती है, नून की तख्ती है और या की तख्ती है। यानी आज जो हम तख्ती सीख रहे हैं वो कोई एक तख्ती नहीं है बल्कि वो एक से ज्यादा तख्तियां हैं जो आज हम सीखेंगे। इसलिए आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कंपल्सरी है। अपना खत स्ट्रांग करने के लिए इसको गौर से देखिएगा और बा बनाने के लिए, बा अलिफ बनाने के लिए पहला स्ट्रोक हमारा ये बनेगा, यानी 80 के एंगल से हम इसको स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल सीन का जो पहला स्ट्रोक हमने बनाया था एक नुक्ते में रहते हुए वो बना देंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा मरहला है उसमें हम अपना कलम रखेंगे 70 के एंगल पे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, जैसे दाल में हमने अपना कलम खोल दिया था ऐसे इससे खोल देंगे और यहीं से हम अपने कलम को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊपर की तरफ ले जाते हुए हम अपने कलम को इस तरफ भी लेके जा सकते हैं, यानी ये 90 का एंगल है तो 90 के एंगल से थोड़ा इस तरफ आकर हमने ये बनाना है। ये बाब अलिफ बाबी है, ये ता अलिफ ताबी है, ये सा अलिफ साबी है, ये नून अलिफ भी है और ये या अलिफ भी है। इसे दोबारा बनाएंगे क्योंकि जब हम बा अलिफ बना रहे हैं बा अलिफ में या तो हम अलिफ को अपने खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे या हम अलिफ को खींचते हुए यहां आते ही अपना कलम मैं इस तरह से खोलूंगी तो ये बाहर की तरफ निकल आएगा, ये स्ट्रोक बन जाएगा। यानी हम यहाँ से इसे अंदर की तरफ भी लेके जा सकते हैं और हम इसको यहाँ से इस तरफ भी लेकर आ सकते हैं। ये दोनों शक्लें दुरुस्त हैं। अब बढ़ते हैं बा और बा की जाने। बा और बा के लिए पहला स्ट्रोक ऐसे ही बनेगा जैसे हमने यहां बनाया है, उसके बाद दूसरे स्ट्रोक में सीन की तरह हम इसको यूं ऊपर की जानेब ले जाएंगे, यहां ले जाके रोक देंगे और फिर यहीं से इसके और इसके ये जो कट है हमारा जो हमने ऐसे करके लगाया है इन दोनों के दरमियान से दूसरे कत का आगाज करेंगे जहां से हमारा बा के साथ बा स्टार्ट होगा और ऐसे करते हुए इसे हम इधर ले आएंगे और एक कत लगा देंगे। ये इससे थोड़ा सा नीचे होगा और ये हमारा बा बा बन जाएगा। बा ता बन सकता है, बा सा बन सकता है, या ता बन सकता है, या सा बन सकता है। बा ता के बाद जब हम बा जीम बनाएंगे तो यहाँ बा की तीसरी शक्ल हमारे सामने आएगी। तीसरी शक्ल को समझ लेंगे हम पहले कि तीसरी शक्ल में यहाँ हम अपना कलम रखेंगे 80 के एंगल पे और इस तरह से थोड़ा सा नीचे आएंगे एक नुक्ता, उसके बाद यहीं से हम इस जानेब आएंगे। अब जो ये हमारा नुक्ता है ना इससे थोड़ा सा पहले मैंने अपना कलम रोक दिया है। और मैंने थोड़ा सा पहले अपना कलम क्यों रोका है क्योंकि अब हम यहाँ से यहाँ अपना कलम रखेंगे जो आधा अंदर और आधा बाहर होगा और यहां से तीन नुक्तों तक, एक दो तीन नुक्तों तक बिल्कुल
बिल्कुल बराबर, यहां से भी बराबर और यहां से भी बराबर बराबर इस एंगल को ले आएंगे। अगर हम यहां से देखेंगे तो ये एक नुक्ता है, ठीक है, और अगर हम यहां से देखें तो ये एक नुक्ता है। अब बा के साथ हमने जीम बनाना है तो जीम यहां से स्टार्ट नहीं होगा, हम अपना कलम यहां नहीं रखेंगे, अगर यहां रखेंगे तो इतना ज्यादा गैप आ जाएगा। हम अपना कलम थोड़ा सा फासला छोड़कर नीचे से यहां रखेंगे ऊपर, ताकि ये नोक है ये खत्म ना हो, और इस तरह से एक दो तीन चार, चार नुक्तों तक हम आगे आ जाएंगे। चार नुक्तों तक आगे आने के बाद हम जानते हैं, हमें मालूम है कि जीम कैसे बनाया जाता है, जीम फते नस्क में किस तरह से बनता है। ढाई नुक्तों तक आगे आने के बाद हम अपना कलम ऐसे छोड़ देते हैं और इसको यहाँ नीचे की जानिब ले आते हैं। जीम को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, एक दो तीन चार पांच और छः। अब जो ये हमारा एंगल है, यहां से यहां तक जीम आया है, यहां तक चौथे नुक्ते तक, अब यहां से गोल करना शुरू करेंगे, ग्रेजुअली गोल करते जाएंगे और जैसे ही हमारा कलम यहां पहुंचेगा तो यहां से ये एक नुक्ता आगे बाहर तो निकालेंगे, लेकिन बाहर निकालने के साथ साथ इसको इस तरह से खोल देंगे। आधे कलम से हमने ये बनाना है, अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसे फिल कर देंगे, और अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसकी अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो ये आराम से हम बना सकते हैं। बाजीन, याजीन, अगर ये याजीन है तो इसके नुक्ते आप यहां भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, और जीम के नुक्ते यहां सेंटर में, तीन नुक्ते ऊपर तीन नुक्ते नीचे, यहां पर जीम के नुक्ता आ जाता है। बा दाल के लिए बा की पहली ही शक्ल बनेगी जिस तरह हमने बनाया बा अलिफ, बा दाल के लिए, लेकिन हम यहां से जब ऊपर की जानिब आएंगे तो थोड़ा सा कलम अपना खोल देंगे, तकरीबन एक और दो नुक्ते ऊपर की जानिब हम जाएंगे। बा दाल में, नून दाल में, या दाल में, ता दाल में, यानी के इस तरह और थोड़ा सा खोल देंगे, जैसे हमने अलिफ में खोला था ऐसे ही यहां भी खोलेंगे, लेकिन यहां हम दो नुक्तों से ऊपर नहीं जाएंगे। इसको दोबारा बना लेते हैं, एक दो। अब अपना कलम यहां रखना है हमने, और यहीं से दो नुक्तों तक आगे आते ही हमें दाल का जो नीचे वाला स्ट्रोक था वो बना देना है, इससे एक नुक्ता ऊपर हमारा जो दाल है वो बन जाएगा, वो एंड हो जाएगा, ये एक नुक्ते का बनेगा ये हिस्सा, और इस हिस्से को भी अगर हम देखें तो ये एक नुक्ते का बनेगा। बा दाल एक और तरीके से भी बनता है, यानी कि ऊपर जाते ही हम यहां से इसे ऐसे गोल कर देते हैं, या अगर हमने इसे आगे कोई और लफ्ज जोड़ना हो, जैसे वाव जोड़ा जाता है या हा जोड़ा जाता है, इंशाल्लाह इसे हम डिस्कस करेंगे आगे आगे के लेक्चर्स में। चार
शक्लें हमने सीख ली हैं बाकी, या तीन शक्लें हमने सीख ली हैं बाकी, तीन शक्लें हमने सीख ली हैं। अब बढ़ते हैं आगे और अब हम बनाएंगे बा और रॉ। इसके लिए हमने पहला स्ट्रोक लगाया एक मुक्ते के अंदर रहते हुए, उसके बाद दूसरा स्ट्रोक में थोड़ा सा गोल करते हुए, इसको हल्का सा गोल करते हुए एक नुक्ते तक आगे आने के बाद यहीं अपना कलम रख के हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहीं से हम रॉ बना देंगे। ये बा रॉ भी है, नून रॉ भी है, या रॉ भी है, ता रॉ भी है। यानी कि आज जो हम तख्तियां सीख रहे हैं वो पांच तख्तियां हैं, वो एक तख्ती नहीं है। तो ये जो तख्ती है इसे बहुत ही गौर से हमने सीखना है और बहुत ही गौर से मश्क करनी है। अब आ जाते हैं बा रॉ की जानेब, यानी बा रॉ के लिए हमारे पास यहाँ पे वैरायटीज है किस किस तरह से हम बा रॉ बना सकते हैं। हमने रॉ बनाना सीखा था 70 पे रखते हुए, इस तरह से हम आए थे और यहाँ से हमने अपना कलम मोड़ दिया था, ये एक नुक्ते तक आए थे हम। यहाँ पे इतना झोल था कि यहाँ एक नुक्ता आराम से फिक्स हो जाए। यहाँ से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नुक्ते, और यहाँ से देखें तो 1, 2, 3, 4 नुक्ते। ये रॉ है लेकिन ये बा रॉ भी है, ये या रॉ भी है। जब ये किसी हर्फ के साथ जुड़ के बनेगा तो नुक्ता जो होगा वो इसकी पहचान होगा। जब हमने इसके साथ नुक्ता लगाया तो हमें पता चला कि ये बा रॉ है, अदरवाइज ये रॉ भी है और ये बा रॉ भी है, जो बाकी तख्ती में हम बनाते हैं और बाकी तख्ती में बनता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और समझाना चाहती हूँ, पहले हम बना लेते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी। बा रॉ एक और तरीके से हम बनाएंगे, यानी कि इसको कशीद करेंगे। उसके लिए जो पहला स्ट्रोक है वो यही है, उसके बाद जो दूसरा स्ट्रोक है उसमें हम एक मुकम्मल बा बनाएंगे और यहाँ लाकर इसे रोक देंगे। यानी अगर इसको यूं देखें तो पूरा एक नुक्ता बीच में समा सकता है। अब इसके ऊपर यहाँ एक नुक्ता ऊपर ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे और यहीं से रॉ बना देंगे। ये रॉ इस तरफ जाएगा, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो बार रॉ मैंने खींचा है, इसके खींचने के कुछ रूल्स हैं कि ये कहाँ कहाँ खींच सकते हैं। अगर किसी भी हर्फ के बाद रॉ आ रहा है, मीम आ रहा है या क्वा आ रहा है, ये तीन हरूफ अगर आ रहे हैं, इन्हें अगर हम एक लफ्ज बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं मतलब। ये तीन हरूफ जहां जहां आएंगे वहां से पहले आने वाला हर्फ हम खींच सकते हैं, जैसे कि बा रॉ हो गया, जैसे कि बा त्वा हो गया, जैसे कि बा मीम हो गया। तो अभी जो हमने सीखा है अभी तक उसको अगर हम गौर से देखें तो हमने बा की पहली शक्ल सीखी बा अलिफ के साथ, बाकी दूसरी शक्ल बा बा के साथ, तीसरी शक्ल बा जीम, बा दाल के साथ पहली ही शक्ल है, लेकिन बा रॉ के साथ चौथी शक्ल, बा रॉ के साथ फिर पांचवी शक्ल और बा रॉ के साथ छठी शक्ल। बा की 6 अशकाल हमने सीख ली है,
इंशाल्लाह बाकी की जो अशकाल है वो हम अपने दूसरे लेक्चर में सीखेंगे। जब तक के लिए दिस इज पाकिस्तानी आर्टिस्ट इसरा साइनिंग ऑफ। अल्लाह निगहबान, दुआओं की तरफगार, दुआओं में जरूर याद रखा करें मुझे, और अपने लिए दुआ किया करें, मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत दे इसके लिए दुआ किया करें, और हमें तौफीक दे इस तरह का काम करने की, अपना कलाम लिखने की, सीखने की और सिखाने की, इस काम को आगे लेके जाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।